हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टूज मॉम एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है हमारे बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा टॉपिक जो हम 99% जितने भी पेरेंट्स हैं सबके मन में होता है। 99% सब पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है, हम इसको कैसे टैकल करें, हम इसको क्या बोलें कि हमारी बात समझ जाए, हमारा बच्चा मानता ही नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज के बच्चे हाइपर है, आज के बच्चे एडवांस हैं, सब जानते हैं। 90% जो पेरेंट्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर है, हमारा बच्चा बहुत एडवांस है, हम उसको कैसे टैकल करें, हम उसके गुस्से को कैसे टैकल करें, हम उसके चिड़चिड़ेपन को कैसे टैकल करें, बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस बच्चे को टैकल करना। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे हम अपने बच्चों को हैंडल कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में आपको बताने चाहूंगी। तो चलिए बात करते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपका बच्चा हाइपर नहीं है। कोई भी बच्चा हाइपर नहीं होता है। हम गलत हैं कि हमारा बच्चा हाइपर है। नो, बच्चे कभी हाइपर नहीं होते हैं। 99% जो पेरेंट्स होते हैं उनकी शिकायत होती है कि हमारा बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, हमारा बच्चा शैतानी करता है। तो 10 में से जो 9 पेरेंट्स हैं उनकी यही शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बहुत शैतान है, हमारा बच्चा बहुत हाइपर है, हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। तो क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, अगर शैतानी बच्चा नहीं करेगा तो हम करेंगे क्या? नहीं ना, शैतानी बच्चे ही करते हैं। तो भाग दौड़ खेलना कूदना बच्चे ही करते हैं, प्लीज उसको एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, हमारे किसी के भी बच्चे हाइपर नहीं होते हैं। अरे, हाइपर तो हम होते हैं अपने बच्चों को देखकर, इसलिए वो हमें हाइपर नजर आते हैं और फिर हम उनके साथ डांट फटकार या फिर मारपीट भी करते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को समझना है। तो फ्रेंड्स, जो आज की जनरेशन है वो डिवाइडर जनरेशन के साथ पैदा हुई है। इनके पास एक डिवाइडर एनर्जी होती है जो आज के टाइम में है और आगे जाके इनको जीनी है। तो उस तरह से भगवान ने इनको तैयार किया है। आप अपने बच्चों को देख के डरिए मत, आप उसके हाइपरनेस को देख के डरिए मत। वो आज नहीं, वो कल काम आएगा, क्योंकि आज हमारा बच्चा हाइपर है तो कल वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे को आज नहीं जीना है, हमारे बच्चे को 2030, 40 या 50 में अपनी लाइफ को सेटल करना है। तो उसके हिसाब से भगवान ने उनको पैदा करके भेजा है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जब आज इतना कंपटीशन है, आज इतना पोल्यूशन है, आज इतनी भीड़ भाड़ है कि हमें बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, वो स्पेस हमें मिल ही नहीं पाता है, हम जाम में फंस जाते हैं। तो ये एनर्जी हमें आज नहीं मिली, हमें उस टाइम हमारे भगवान ने दी थी जब हम लोग पैदा हुए थे। तब हम भी अपने पेरेंट्स को हाइपर लगते थे, लेकिन वो हाइपरनेस हमारा आज काम आ रहा है। तो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, आपका बच्चा हाइपर नहीं है। मैं बार बार यही चीज कहना चाह रही हूँ। और जो आज के बच्चों को भगवान तैयार कर रहा है वो आज के लिए नहीं, वो उस भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है जिसमें उसको जीना है। भगवान को पता है कि आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है और ये बच्चे उसी कंपटीशन में रहेंगे, ये उसी भीड़ भाड़ में रहेंगे। तो बच्चों को आज से ही एडवांस भगवान ने बना के भेजा है, हम उन्हें ब्लेम करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर ये एनर्जी आपके बच्चे में कम है तो प्रॉब्लम है, अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा हाइपर नहीं है तो प्रॉब्लम है, अगर हाइपर है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चे को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें अपना बच्चा गलत लगता है, वो गलत है। लेकिन अगर हम उसको भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा बच्चा गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि आज का जो जमाना है बहुत कॉम्पिटिशन वाला है, बहुत कॉम्पिटिशन है आज के जमाने में। तो प्लीज डोंट ब्लेम योर चाइल्ड एज अ हाइपर चाइल्ड, प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट। तो अगर आप आज अपने बच्चे से परेशान हैं या फिर आप अपने बच्चे को आज चेंज करना चाहते हैं तो मैं उसके भी कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी। आप उन पॉइंट्स के थ्रू अपने बच्चों को थोड़ा शांत कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे की लाइफस्टाइल को चेंज करें, इट मीन्स। एंड लास्ट पॉइंट,
आप अपने बच्चे की डाइट पर बहुत 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 ज्यादा ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चे की डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा आज तो क्या, भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे के लिए ऐसे डाइट प्लान तैयार करें जिससे आपके बच्चे को खूब एनर्जी मिले। आप अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर से बिल्कुल दूर रखें, या फिर फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रखें। आप उनको घर का बना हुआ एक हेल्दी खाना दें जिससे कि बच्चों को अंदर से मजबूती मिल सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आप नेक्स्ट टाइम से अपने बच्चे को हाइपर नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे पॉइंट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।